इकोनॉमिक्स के इस दूसरे क्लास में मैं फिर से आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स के ऊपर पहला वीडियो लेक्चर बनाया था, उसमें आप लोगों ने देखा था कि कैसे मैंने उसमें बेसिक चीज को लेकर के वहां समझ विकसित किया था। और ये 10th क्लास के जो एग्ज़ाम होते हैं सोशल साइंस के, उस पेपर में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। काफ़ी ईजी होता है प्रश्न और काफ़ी छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से, तो ये बहुत ही आसान होता है, बस इसको समझ लेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज इस इकोनॉमिक्स के जो दूसरे क्लास है इसमें हम जो आगे का बचा हुआ पोर्शन है वहाँ से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ ध्यान रखना कि हम कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि उसमें से हम छोड़ के चलेंगे। हाँ, वीडियो मेरा छोटा रहेगा लेकिन सारी चीज़ें एक एक करके उसको हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के इस क्लास में हम जो बात करने वाले हैं, तो मैंने कल इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था कि अर्थशास्त्र क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, फिर अर्थव्यवस्था से कौन कौन से फायदे होते हैं, अर्थव्यवस्था के कौन से ऐसे दो कार्य कौन कौन से, तो उसको मैंने सारा कल डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं और वो कौन कौन से थे, फिर आर्थिक अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में बात करेंगे, अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक के वृद्धि क्या है, समावेशी विकास क्या है, इस तरह की चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला यहाँ चीज यहाँ पर दिख रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो इसमें दिया हुआ है, इकोनॉमी के प्रकार कितने होते हैं, तो उसमें ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था के सामान्यतः मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है जिसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, जैसे अर्थव्यवस्था में, जैसे मैंने कल बताया था कि इसमें कुल मिलाकर के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, अर्थव्यवस्था में यही होता है। अब यदि वस्तु और सेवा का उत्पादन करने वाला कोई खाद कोई निजी व्यक्ति हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो, और उसके थ्रू अगर क्या होता है प्रोडक्शन होता है, तो उस तरीके के अर्थव्यवस्था का जो सिस्टम होता है उस तरीके की अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है होता है कि चूंकि जो फैक्ट्री होती है, जो कंपनी होती है, वो एक प्राइवेट चीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट पर्सन होता है, उसका सारा जो उसका कॉस्ट होता है वो सारा इन्वेस्ट किसके द्वारा होता है, तो वो उस प्राइवेट पर्सन के द्वारा होता है, उस निजी व्यक्ति के द्वारा होता है। वो निजी व्यक्ति अपना खुद का खर्चा से उस फैक्ट्री को स्थापित करता है और फिर वहाँ से उत्पादन शुरू करता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो उत्पादन खुद करता है, अपने मन मुताबिक करता है, उसको जिस वस्तु को उत्पादन करने में उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है तो उस तरीके के वस्तुओं को वो क्या करता है, उत्पादन करता है। तो इसमें पहला चीज़ है कि उत्पादन वो जब भी करेगा तो वो समाज की भलाई के लिए कभी नहीं सोचेगा। अगर उसे लिकर यानी शराब के उत्पादन में उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो कभी ये नहीं सोचेगा कि इसका जो शराब का नेगेटिव इम्पैक्ट जो सोसाइटी के ऊपर पड़ता है तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस ये देखेगा कि उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, चूँकि अल्टीमेट जो उसका टारगेट और एम होता है कि किसी भी कंपनी का, वो होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो जिसमें ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा वो काम करेगा, उसी वस्तु का उत्पादन करेगा। तो इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से एक होता है कि उसमें समाज के कल्याण को ध्यान में नहीं रखा जाता है, उसमें सिर्फ अपना प्रॉफिट देखा जाता है। दूसरी खास बात, इसमें धन का संचय होता है, इससे पूंजी यानी कि कैपिटल यानी मनी खूब सारा होता है इसमें, लेकिन इससे ये चीज़ें हैं कि ये सभी देशों में नहीं हो सकता है, ऐसे कुछ ही देश हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद जो दूसरा होता है उसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाज से ही पता है, समाजवादी समाज सबसे ही पता चलता है कि वो ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जहाँ पर उत्पादन जो भी होगा वो समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाएगा, जिससे समाज को फायदा हो, समाज को जिससे नुकसान ना हो, उस तरीके की चीज़ों को उत्पादन करने में ध्यान रखा जाता है। पर हम जानते हैं कि समाज को अगर ध्यान में रख के चलते हैं, समाज को प्रॉफिट के हिसाब से सोचते हैं, तो ऐसा सोचने वाला कौन हो सकता है, ऐसा सोचने वाला कोई प्राइवेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट देखता है, प्राइवेट कभी समाज के बारे में नहीं सोचता है। ये समाज के बारे में एक ही व्यक्ति सोच सकता है, वो है सरकार, उस देश की सरकार जो है वो समाज के लिए सोचता है, उसके कल्याण के लिए सोचता है। तो यहाँ पर क्या होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा कि जो भी वस्तुएं उत्पादन की जाएंगी, जो भी सेवाएं उत्पादन की जाएंगी, उसको उत्पादन करने में ये हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि इससे
जो उत्पादन हो रहा है उससे समाज को, किसी वर्ग को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, किसी वर्ग के उससे नुकसान हो या उनके कल्याण के विरुद्ध तो नहीं है, तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो वहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, खुद सरकार अपने हाथों में रखती है उसका संचालन और उत्पादन, ठीक है ना, और वो समाज के कल्याण के लिए होता है। तो ऐसे समाजवादी अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो मिली रूस, चाइना, क्यूबा, इस तरह के कुछ देश आते हैं जहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, सामाजिक अर्थव्यवस्था है। तीसरे प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अगर बात करें तो इसमें दोनों का मिश्रण होता है, यानी कि एक समाजवादी भी होगा और पूंजीवादी भी होगा। दोनों को मिलाने के बाद जो एक अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी उसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आवश्यकता पड़ने पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी उत्पादन करते हैं और देश की सरकार भी होती है, ठीक है ना। कुछ चीज़ों पर सरकार का भी नियंत्रण होता है और कुछ चीज़ों पर सरकार प्राइवेट को भी छूट दे रखी होती है, क्योंकि पैसे की आवश्यकता होती है। तो अगर प्राइवेट नहीं होगा तो पैसे की आवश्यकता पड़ने पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सरकार के पास उतने अवेलेबल नहीं होते हैं। सरकार का क्या काम है, सरकार जो समाज है, जो देश है, उसके कल्याण के लिए कार्य करती है, ठीक है ना। और सरकार के, हम सब जानते हैं कि सरकार का मैक्सिमम पैसे कहाँ खर्च होते हैं, कल्याणकारी कार्यों पर खर्च हो जाते हैं। और उसके बाद हम जानते हैं कि सरकार के पास इतने सारे पैसे नहीं हो कि वो कोई प्राइवेट का इस तरह से कोई फैक्ट्री लगाए, है लगाती है, लेकिन उसका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किस पर होता है, लोगों के कल्याण के लिए ऊपर होता है, लोगों के विकास के लिए होता है, शिक्षा देना है, स्वास्थ्य की सुविधा देनी है, सड़क बनवानी है, ठीक है ना। इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, पेंशन देना है अगर उस तरह के हैं तो, महिला बच्चों को ध्यान में रखा जाता है। इस तरह के जो कल्याणकारी जो कार्य होते हैं वो राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जाता है। तो अब वो देश जो सोचता है कि अगर हम इस तरह के कार्य करते हैं तो फिर बाकी चीज़ें पैसे कहाँ से आएंगे, बाकी चीज़ें, तो उसको करने के लिए सरकार क्या करती है, एक अलग से प्राइवेट वाले को भी शामिल कर लेती है। और उस प्राइवेट वाला वो क्या करता है, देश के अंदर उत्पादन करेगा और वो जो भी उत्पादन करेगा उससे सरकार क्या कर लेगी, उससे टैक्स के रूप में, निगम कर के रूप में, या एक्साइज ड्यूटी, कोई भी जो उत्पाद शुल्क होता है उस रूप में उससे ले लेती है। और वो फिर क्या होता है, टैक्स के माध्यम से वो सरकार के पास भी आए क्या होता है, आ जाता है, और फिर उससे देश का काम चलता है। तो इस तरह के चीज़ें हमारे देश में पाया जाता है, भारत के अंदर इसे इस तरह के देश चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि भारत को दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना, पैसे की भी आवश्यकता है और कल्याण के कार्य भी होते हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। तो इस तरीके से चीज़ों को करना यहाँ जरूरी होता है, ठीक है ना। तो भारत की बात करें तो यहाँ पर जो इकोनॉमी होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये क्या होता है, क्या लिखा है यहाँ पर, जो चीज़ें मैंने बोला यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर लिखा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, जैसे इसमें अगर देश की बात करें तो अमेरिका हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सा देश जिसकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो वो इस तरह से ऑप्शन दे सकता है, ठीक है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या लिखा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होती है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, जैसे कि चीन, क्यूबा, इस तरीके के देशों में देखा जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, तो यह पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है, यानी दोनों को कंबाइन करके दिया जाता है यहाँ पर। जहाँ पर क्या होगा, जहाँ उत्पादन सरकार एवं निजी व्यक्तियों के द्वारा होता है, जैसे भारत की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि किस देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी भारत की अर्थव्यवस्था इससे पूछ सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ अगला जो चीज है वो ये है कि अर्थव्यवस्था का विकास। अब अर्थव्यवस्था का विकास क्या होता है, अब पहली चीज तो अर्थव्यवस्था के अंदर होता है क्या है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारी वो जरूरतों को पूरा करता है। अब हमारे चूंकि जानते हैं कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, जनसंख्या बढ़ता है और उसके हिसाब से आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। तो यदि अगर जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है, हमारी आवश्यकताएं जिस तरीके से बढ़ रही हैं, उस अनुपात में यदि अगर अर्थव्यवस्था का विकास ना हो, आर्थिक क्रियाओं का विकास ना हो,
तो फिर क्या होगा, हमारे लिए वो मुश्किलें हो जाएंगी। इसलिए हमारी इस तरह की समस्या ना उत्पन्न हो हमारे सामने, और हम अपनी आवश्यकताओं को, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारी आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके अनुरूप अगर हमें चीजों को करना है तो सबसे पहले हमें करना होगा विकास, अर्थव्यवस्था के अंदर विकास करना होगा। हमें एक्टिविटीज को चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। कृषि में जो चीजें हमारी पारंपरिक तरीके से कृषि करते हैं, तो उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को बदलना पड़ेगा। तो इसमें दो चीज होता है, जैसे मान लो अगर जनसंख्या एक फैमिली मेंबर ले लेते हैं, एक परिवार ले लेते हैं, और उस परिवार में मान लो 5 सदस्य हैं, वर्तमान में 5 सदस्य हैं, और उनके इनकम का जो अगर टोटल बात करें, यहाँ पर समझ लेते हैं, अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं और टोटल जो एक वर्ष का सालाना, अगर सालाना इनका इनकम देखा जाए तो मान लो 50,000, ठीक है ना, 50,000। इसका मतलब हो गया कि एक व्यक्ति का 1% का जो इनकम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10,000, 10,000 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका अब इस 50,000 रुपये में ये साल भर का खर्चा इनका चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब यदि मान लो आने वाले कुछ सालों में, 10 साल 15 साल के बाद ये जनसंख्या बढ़कर 10 हो जाए, तो क्या अब इनकी जो आय है अगर इसी अनुपात में रहती है तो इनकी आवश्यकता है, तो जनसंख्या बढ़ी, इसका मतलब आवश्यकता तो बढ़ेगा, लेकिन अगर आय इस इनके अनुपात में नहीं बढ़ा तो फिर वो समस्या हो जाएंगे इनके सामने। तो इसी को चेंज, इसी को ठीक करने के लिए विकास की आवश्यकता पड़ेगी। इसी अनुपात में आय भी बढ़ना बढ़ाना पड़ेगा, और वो आय तब बढ़ेगा जब से जो संसाधन हमारे पास है उनमें विकास हो, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है कि अर्थ व्यवस्था के अंदर जो अर्थ आर्थिक विकास होता है उसका क्या मतलब होता है, तो ऐसा विकास जिसमें आर्थिक वृद्धि हो। आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है कि उत्पादन बढ़ जाना। जैसे मान लो आर्थिक वृद्धि को समझ लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो 2022 और 23 पिछला साल को अगर देखते हैं, तो मान लो एक परिवार के अंदर, यहाँ फैमिली लेते हैं, ठीक है ना, एक फैमिली का जो एक साल में जो कृषि से उत्पादन होता है, कृषि से जो उत्पादन हुआ, सपोज करो 1,000 क्विंटल उत्पादन कर लेता है, 1,000 क्विंटल उत्पादन करता है, गेहूं अनाज गोभी हो। अब ये क्या होता है, अगले साल मान लो ये 2022-23 का है, अब क्या हुआ कि इस साल 2023 और 24 में ये उत्पादन क्या हो जाए, 1,000 के बजाय ये हो जाए ये 1,000 या ऐसे कर लेते हैं 1,500 क्विंटल हो जाए इस तरीके से। तो ये जो हुआ क्या हो गया, 1,000 से 1,500 हो गया, तो ये क्या हुआ, आकार में वृद्धि को दर्शा रहा है। इसका मतलब पहले मात्रा इतना था, अब मात्रा इतना बढ़ गया, यानी कि बढ़ गया, ये मात्रा बढ़ गया। तो यही है आर्थिक वृद्धि, यानी कि उत्पादन पहले जो हो रहा था उससे अधिक हो जाए, ठीक है ना। वृद्धि नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, अगर इससे कम हो गया तो भी हम कहेंगे उसको नकारात्मक वृद्धि कहेंगे, फिर को अगर ये इससे अधिक हो रहा है तो फिर हम कहेंगे उसको क्या हो, पॉजिटिव ग्रोथ कहेंगे। तो ये सिंपल क्या होता है, आर्थिक वृद्धि का मतलब उत्पादन में किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हो जाना, यानी कि मात्रात्मक वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहेंगे, ठीक है ना। अब उस आर्थिक वृद्धि के साथ साथ, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ क्या हो जाए, कोई ऐसा काम हो जो जो मानव के लिए काफी लाभदायक हो, ठीक है ना, उससे जुड़ी हुई, मानव से जुड़ी हुई चीजें हो जो उसको फायदे पहुंचाए। तो इस तरह की चीजों को विकास से जोड़ कर देख लेते हैं। जैसे अब मान लो, जैसे यहीं पर देख लेते हैं कि पहले पैसे मान लो आज हमारे पास 100 रुपये थे हैं, और कल मान लो चलो 1,000 रुपये हो जाए, तो ये तो वृद्धि हो गया। लेकिन जहां मैं 100 रुपये में आज खर्च जितने से मैनेज कर पा रहा हूँ, वो कल अगर 1,000 रुपये होगा तो उसके हिसाब से मैं आज से बेहतर तरीके से जीवन जी पाऊंगा। कैसे, या तो हो सकता है मेरा खान पान बेहतर हो जाए, ठीक है ना, स्वास्थ्य सुविधा, हम जब अच्छी चीज खाएंगे, अच्छे जो स्वास्थ्य के लिए हमारे बॉडी के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं उस तरीके से भोजन हम करेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। उसके अलावा हमारे पास पैसे जब रहेंगे तो हम शिक्षा की तरफ सोचेंगे, हमारी एजुकेशन भी बढ़ेगी, स्वस्थ रहेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हमारे जीवन का जो स्तर है वो बेहतर होते जाएगा। तो ये क्या हुआ, केवल आय वृद्धि होने से नहीं, बल्कि उससे आय वृद्धि होगा तो एक निश्चित है
और जिस परिवार के पैसे आय बढ़ते हैं तो उस परिवार के जीवन यापन भी बेहतर, खान पान भी सुधार होने लगता है, ठीक है ना, घर गाड़ी ये सब इस तरीके से होने लगते हैं, ठीक है ना, पहना ओढ़ाव भी बेहतर होने लगता है, जीवन की जो गुणवत्ता है वो बेहतर से बेहतर होने लगती है, स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है, शिक्षा भी बेहतर होने लगता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो इन्हीं सारी चीजों को ही क्या कहते हैं, विकास के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा विकास जिसमें आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक कल्याण हो, ठीक है ना, उसको आर्थिक विकास कहते हैं। यह क्या है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुण का मतलब, गुणात्मक मतलब जहाँ ये मात्रा को बढ़ाता है, यानी कि 100 kg से 1000 kg हो जाए, 100 kg से 1000 kg, ये मात्रा को दर्शा रहा है। लेकिन स्वास्थ्य सुविधा में बेहतर होना, जैसे आज हम बहुत सारे, चूंकि हमारे पास उस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो हम क्या है, उतने स्वस्थ नहीं रह रहे हैं, खान पान उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, चूंकि पैसे का अभाव है। लेकिन जैसे ही हमारे पास ये बढ़ेगा तो हमारा वो खान पान वो सुधर, उससे अच्छा होगा, बेहतर तरीके से होगा, तो उससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, उसके बाद फिर शिक्षा हमारा होगा। तो इस तरीके से क्या है, ये सामाजिक कल्याण ही तो है, हमारे जीवन का स्तर सुधर रहा है। तो वही यहाँ लिखा है, इसी को गुणात्मक परिवर्तन, यानी गुण में परिवर्तन, पहले जिस तरह से उससे अच्छा हो जाए, ये गुणात्मक परिवर्तन है। तो जैसे कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल में अगर हम देखें, तो जैसे प्रति व्यक्ति आय वृद्धि, मैंने एक व्यक्ति आज महीना में 100 रुपये, महीना में मान के चल जाए ऐसे समय, तो एक दिन में 100 रुपये कमा रहा है आज, और कल वो मान लो 500 कमाने लग जाए, तो ये प्रति व्यक्ति आय हो गया इस तरीके से। हालांकि प्रति व्यक्ति आय को ईयर में मापते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से देख सकते हैं। फिर दूसरा है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो जाए, शिक्षा की सुविधा हो जाए, बेरोजगारी कम हो, पहले बहुत लोग बेरोजगार थे, आज उसमें कमी आ रही है, ठीक है ना। तो ये भी है, उसको हम कहेंगे सामाजिक कल्याण, रोजगार में वृद्धि हो रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं, आधारभूत संरचनाओं का विकास हो रहा है, सड़क बनवा रहे हैं, बिजली बन रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से स्कूल कॉलेज बनवाए जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, आधारभूत संरचनाओं का विकास हो रहा है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, व्यक्ति स्वस्थ रह रहा है, ज्यादा से ज्यादा दिनों तक जीवित रह रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजों जो भी परिवर्तन हो रहा है, ये सब क्या है, यही सामाजिक कल्याण है, और इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। इसके बाद आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि को मैंने बता दिया कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि को ही क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि कहते हैं, यह मात्रात्मक वृद्धि होता है। इसके बाद एक और आता है समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है, समावेशी का मतलब सबको एक साथ लेकर के चलना, ठीक है ना। इसमें एक चीज देखें तो विकास की यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग क्या हो, इस प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वर्ग का जीवन स्तर बेहतर हो। विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों, सभी तबके के लोगों का जीवन स्तर क्या हो, बेहतर हो, और जो विकास हो रहा है, जो विकास के लाभ हैं, स्कूल बनवाए जा रहे हैं, सड़क बनवाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा दिया जा रहा है, हॉस्पिटल बनवाए जा रहे हैं, इस तरह की सुविधाएं वो सबको मिले, यानी कि जो समाज के सभी वर्ग हैं उनको इस तरीके के जो विकास के लाभ हैं उससे कोई भी वर्ग वंचित ना रहे, सबको बराबर बराबर हक वहाँ मिले, सबको बराबर बराबर उसको फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो इस तरह के विकास को ही हम कहते हैं समावेशी विकास, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, इसको ग्रोथ कहेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या लिखा है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि, सॉरी यह तो हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है समावेशी विकास, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से वंचित न रहे, तो ऐसी विकास को ही हम क्या कहते हैं, समावेशी विकास के नाम से जानते हैं।